हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रभाज जी। ऑडियो फ्रेंड्स, आज मैं जा रहा हूँ झारखंड। जैसे कि आप पता होगा, मैं ऑलवेज जाता हूँ एंड आज स्पेशली कुछ काम से जा रहा हूँ एंड आज मैं दिखाऊंगा कि मेरा अंकल का गाँव कैसा है। एंड डियर फ्रेंड्स, मेरे लाइफ इज कम्प्लीटली डिफरेंट यार। जो थी हम टाउन, जैसे कि मैं टाउन में रहता हूँ तो टाउन लाइफ में उतना मतलब तो नहीं आता है जितना, कम्प्लीटली डिफरेंट फीलिंग आता है जब हम कुछ विलेज एंटर करते हैं। तो हम कभी मैं रास्ता में हूँ झारखंड जा रहा हूँ, आज मैं दिखाऊँगा मेरा ग्रैंड फादर का बोर्ड हाउस प्लस वो कैसे अकेले रहता है इन विलेज, बिकॉज अभी तो वो अकेले ही है घर में। तो डियर फ्रेंड्स, चलो सब लोग वीडियो को देखते रहो एंड इन्जॉय द वीडियो। तो अभी मैं शायद अभी मैं उड़ीसा में हूँ, अभी मैं झारखंड बॉर्डर अभी एंटर करूँगा। गाइस, आया अभी मैं झारखंड पहुंच गया हूँ, झारखंड में हूँ। अभी मैं शॉर्टकट ले रहा था और मेन रास्ता मिल गया जो कि हाईवे है एंड यदि आप लोग लेते हैं उड़ीसा से डायरेक्टली, आप लोग इस रास्ता से रांची जा सकते हैं। तो अभी मेरे को बहुत टाइम है पहुंचने के लिए, अभी शायद आधा घंटा लग जाएगा मेरा ग्रैंड फादर घर पहुँचने के लिए। उसके बाद देखते हैं जो जो काम है उसको फर्स्ट निपटाऊँगा और मेरा ब्लॉग में ज़रूर डालूँगा उस सबको, तो प्लीज़ देखिए फुल तक। हेलो फ्रेंड, कुछ ही देर के बाद हम पहुँच जाऊँगा बिकॉज रास्ता में बहुत डस्ट था यार। मतलब जो रोड है, हाईवे है, वो काफ़ी ओल्ड है प्लस उसको रिपेयर नहीं किया गया, इसीलिए बहुत डस्ट होता है। तो मेरा आँख थोड़ा जल रहा है। एनीवे, तो अभी मैं कुछ ही 10-15 मिनट में मैं पहुँच जाऊँगा मैं। एंड आज का मौसम तो काफ़ी अच्छा ही है बिकॉज मैं तो अर्ली मॉर्निंग ही निकल गया था, अभी सनराइज भी नहीं हुआ है एंड इस टाइम में आने से मज़ा आता है बिकॉज थोड़ा गर्मी भी नहीं लगता, थोड़ा ज़्यादा ठंडा भी नहीं लगता है, तो ठीक अच्छा लगता है। चलो चलते हैं, जर्नी अभी बहुत बाकी है यार, और 10-15 मिनट में पहुँच जाएंगे। हेलो गाइस, मैं पहुँच चुका हूँ ग्रैंड फादर का विलेज और अभी जस्ट एंटर कर रहा हूँ एंड फीलिंग हैप्पी यार। आफ्टर कमिंग एक महीना, शायद लास्ट मंथ आया था मैं और अभी नहीं आया हूँ, तो आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी एंड आप लोगों को दिखाऊंगा कैसा है मेरा ग्रैंड फादर का विलेज। So this is the house. क्या बना थे इस? क्या बना था? चाय ना बना, पानी है कि नहीं? गरम पानी? गरम तो नज़े करो। कल कहीं जाबे? कहीं जाबे? कहीं जाऊँ। अच्छा। क्या बना थे? खाए ये चाय पीते बना? चले रहे थे ना बना? तो ले तो कुछ नहीं आया ना, लेकिन कहीं लाबे कहीं के? कोई कोई बात नहीं। कौन सा कर बनवा के? मतलब बिगार तो डियर फ्रेंड्स, मैं अभी ग्रैंडफादर का घर में हूँ एंड बहुत अच्छा फील लग रहा है यार बिकॉज आफ्टर अ मंथ कमिंग। एंड ये है ग्रैंडफादर का ओल्ड हाउस जो कि कम्प्लीटली अलग लगता है एंड आप लोग स्टेइंग मतलब यदि आप लोग यहाँ पर गर्मी के टाइम में आते हैं तो आप लोग बहुत अच्छा से सो सकेंगे एंड कूल लगता है। आई डोंट नो व्हाई बट आई थिंक दिस इज़ द ब्यूटीफुल ऑफ नेचर बिकॉज इट्स कम्प्लीटली नेचर फ्रेंडली हाउस है। ये हाउस मड से बना हुआ है प्लस कम्प्लीटली मड, ब्रिक्स यूज नहीं किया गया है। प्लस आप जब देखते हैं रूफ को तो रूफ भी वुडन प्लस खपरा बोलते हैं उससे बनाया गया है। एंड अभी गाँव में थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी आ गया है तो इलेक्ट्रिसिटी अभी लगा दिए हैं, दैट्स व्हाई ब्राइट आ रहा है। एंड डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर ग्रैंडफादर अलोन रहते हैं इन दिस ओल्ड हाउस
और जैसे कि मेरा ग्रैंड मदर, वो तो मेरा हम लोग के साथ रहते हैं इन वीरमित्रापुर, मेरा होम टाउन में। तो अभी आया हूँ कुछ काम के लिए, कुछ काम करने के बाद मैं चला जाऊँगा और मैं ब्रेकफास्ट खाऊँगा। एंड ब्रेकफास्ट खाने वाला हूँ यहाँ पर, कुछ मॉर्निंग ब्रेकफास्ट जो कि कॉपर रहेगा। एंड लेट्स सी कितना टेस्टी है। एंड यदि आप लोग आते हैं तो प्लीज़ स्टॉप कीजिए कुछ खाने के लिए लोकल शॉप में, बिकॉज अच्छा लगता है यार खाने में। डियर फ्रेंड्स, दिस इज माय टी। टी बहुत टेस्टी है यार। अभी चाय झारखंड में मैं नॉर्मली मीठा नहीं लेता हूँ, लेकिन व्हाट टू डू, अभी बाहर में हूँ तो मीठा तो लेना ही पड़ेगा। सो गाइस, दिस इज माय ब्रेकफास्ट। हेलो फ्रेंड्स, मैं ब्रेकफास्ट किया और अभी जो भी होटल था उससे थोड़ा दूर मैं आ गया हूँ। एंड अभी मैं घर लौट रहा हूँ। एंड ब्रेकफास्ट काफ़ी अच्छा था यार, मेरे को बहुत टेस्टी लगा और पेट भी भर गया। एंड मैं लोकल फूड खाया जो उसका नाम है गोपो। यदि आप लोग आते हैं तो झारखंड प्लीज़ ट्राई कीजिए, बहुत पॉपुलर डिश है। एंड ये आटा से बनता है एंड आप चाहते तो घर में भी बना सकेंगे। सो डियर फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का जर्नी जैसे कि आप लोग देखें। सो डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन थैंक यू। एंड यदि आप लोग चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक करना और कमेंट जरूर करना कि वीडियो कैसा लगा, और सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलना।